फॉर स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का, मैं अनादि गौतम। क्या हाल है सभी के? जल्दी जल्दी एक बार देखिए आवाज़ वगैरह सब बढ़िया आ रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत उसको तो एक बार जल्दी से बता दो। वैसे मेरे को ठीक लग रहा है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मौज मस्ती वाले जो भी बच्चे हैं तो मौज मस्ती समाप्त अब करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो अपना सेशन है। बाकी इसके अलावा भाई आज हमने 11 से 12:30 के बीच में एक करंट अफेयर्स की क्लास रखी थी 12:30 तक अनअकैडमी पर। आज इवनिंग में कोई क्लास नहीं रहेगी। बाकी मेरा 28th ऑफ सेप्टेम्बर से बैच स्टार्ट हो रहा है अपना। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। 28th ऑफ सेप्टेम्बर से बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। टाइमिंग है 10 AM और उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे। हेलो भाई मित्रों, सब ठीक है बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहेगा टॉपिक वाइज, एक एक चीज़ को कवर करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप लोग उसको क्या करना है, आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन होता है, आप अनादि वाइटी ये कोड यूज़ कर सकते हैं। तो SSC और रेलवे दोनों सेक्शन में मेरे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने आप को करेंगे एनरोल। क्या आवाज़ नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ तो आ रही, आनी चाहिए। नो साउंड, दोबारा करते हैं यू, कोई बात नहीं, रुको रुको। वेट, क्या अभी ठीक है? अभी देखो एक बार, अभी भी आवाज़ नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है अब ठीक होगा, है ना? अब ठीक आ गया होगा। अभी एक बार चेक कीजिए, आवाज़ ठीक, अब ठीक है। तो चलो करता हूँ मैं जल्दी से स्टार्ट। तो मैं बता रहा था आपको बेटा, SSC रेलवे दोनों सेक्शन में अनअकैडमी पर मेरा बैच है। SSC में एक और स्टार्ट हो रहा है 28th ऑफ सेप्टेम्बर से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। बाकी थ्योरी ऑलरेडी चल रही है, लास्ट वीक स्टार्ट किया था SSC में भी रेलवे में भी। ज्वाइन करने के लिए अनादि YT ये कोड आप लोग यूज़ करेंगे। जल्दी से एक बार क्लास को कर दो शेयर, लिंकन लुइस। ठीक ठीक है, चलिए तो ठीक है भाई, अब करते हैं स्टार्ट जल्दी से आज का अपना सेशन। मित्रों जल्दी से, मित्रों हेल्प, मित्रन हेल्प। इंकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्रांति जीवित रहे, क्रांति हमेशा रहे, लंबे समय तक जीवित क्रांति। नारे का प्रयोग सबसे पहले किस क्रांतिकारी ने किया? प्रयोग बोल रहा है, रिटेन कहता तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। रिटेन भाई दो लोगों का नाम आता है, एक तो आता है बेटा हसरत मोहानी, ऑल ओके है हसरत, ऐसा सकते हैं ना, ओके आ गया आप। हसरत मोहानी है भाई, एक तो हसरत मोहानी इन्होंने लिखा है, उसके अलावा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यूज़ किसने किया, तो सरदार भगत सिंह ने इसको यूज़ किया है। ठीक, नेक्स्ट आता है जेल में रहे थे उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। निम्न में से कौन सी कैपिटल है जो आयरलैंड की कैपिटल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? जकार्ता, अम्मान, रोम, इंडोनेशिया, फिर बाकी सबको मैं बताऊंगा, इनमें से एक है। सर थैंक फॉर टेक माय नेम, तुम्हारा ओरिजिनल नेम क्या है? आजकल बच्चे पता नहीं किस किस का नाम रखने लगे। आरती बेदी, भगत सिंह, गीतिका, बिल्कुल ठीक, संजय भाई बिल्कुल ठीक है, आयशा बिल्कुल ठीक है, पूजा बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर बताओ, आयरलैंड की कैपिटल जो है भाई वो क्या है? आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? आयरलैंड की कैपिटल डबलिन, वेरी गुड। अच्छा जकार्ता कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। जकार्ता कहाँ की है? इंडोनेशिया की बेटा जकार्ता है, इंडोनेशिया। और अगर मान लेते हैं पूछा जाता है अम्मान कहाँ की है, सपोज करते हैं अम्मान है तो जॉर्डन, जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है आपका अम्मान। फिर अगर पूछा जाता है रोम कहाँ का है, तो रोम है भाई इटली का। कहाँ का है? इटली का है, इटली का रोम। और डबलिन कहाँ का हो गया? आयरलैंड का हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देव कुमार जी, देव उमर नेम है मेरा, ओके देव उमर, बढ़िया नाम है तुम्हारा, नाम बहुत अच्छा है। मित्रन हेल्प क्यों लिखा हुआ है, हैं? पहले अपना नाम लिखने के साथ में लिखो उसको, मित्रन हेल्प देव कुमार, बाय देव कुमार, ऐसे लिखो। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था, और कब हुआ है बेटा? इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 में, बाय जिस बंदे ने किया था उसका नाम था जॉन विल्सन।
जॉन विल्सन ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है। अब ये कौन है जॉन विल्सन? जो था ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ लॉर्ड कैनिंग, अंडर लॉर्ड कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम का है, ठीक है ना। पहला वित्त सदस्य जो आजकल वित्त मंत्री होता है, निर्मला सीतारमण टाइप, ठीक। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखना, बजट तो शुरुआत किया ही किया है, इनकम टैक्स भी बेटा इसी ने किया था। इनकम टैक्स ऑल्सो सर इस साल आपने कॉलेज से मैथ्स टॉप किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, गुड। बस अब ये समझ लो कि एसएससी या रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस या यूपीएससी, उसे भी टॉप करना है भाई देव, तभी तो अपना नाम रोशन होगा। जब आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे सारे बढ़ेंगे, सबका सिलेक्शन होगा। आयुष्मान भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? व्हेन वाज आयुष्मान भारत मिशन लॉन्च्ड? 2016, 17, 18, 19, जो चीज़ मिलनी चाहिए थी उस लेवल तक ही आयुष्मान भारत मिशन अभी तक काम नहीं कर पाया। हाँ, करते रहो, बढ़िया से लगे रहो, पक्का सिलेक्शन। तो ये है भाई, 2016 नहीं है, 2018 में हुआ है बेटा, दो ही साल हुई हैं। 2018 में हुआ आयुष्मान भारत मिशन। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य, किसके? संयुक्त राष्ट्र। अगर डेट चाहिए ना, तो डेट इसी महीने में थी जो चल रहा है, मैंने बोला है दो साल हुई है, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था भाई, ठीक है ना। यही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यही क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर सिलेक्शन लोगे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने विश्व मधुमक्खी दिवस के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी? 2000 2008 2010 2017। होता कब है ये विश्व मधुमक्खी दिवस? अगर आता है, पूछा जाता है कब होता है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे ये होता है बेटा जी, कब होता है? मई में होता है, 20 मई को होता है, 20 मई को होता है। और भाई ये आपका 2017 से स्टार्ट किया था। CGL की क्लास कब होगी बेटा? ये सारे बैचेस की क्लास है ना। अनअकैडमी तो कहीं चल रही हैं, बाकी आप मेरा कोई भी बैच करो, स्पेशल सेशन करो, कंप्लीट मैं कराता हूँ। तो 2017 से लॉन्च किया गया था। अमृतसर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि। किस किस के बीच में हुई थी? एक तो थे बेटा जी राजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के राजा थे, राजा रणजीत सिंह, और जो ब्रिटिश वॉयसराय था, जो गवर्नर जनरल था, इस टाइम वॉयसराय तो नहीं होता था, इस टाइम पर गवर्नर जनरल बोलते थे, उसका नाम था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और मिंटो फर्स्ट के अंडर में जो बंदा काम कर रहा था वो था मेटकॉफ, उसी ने सिग्नेचर किए थे, मेटकॉफ। वैसे नाम लॉर्ड मिंटो का ही ज़्यादा आता है। तो 1809, वेरी गुड। 1831 में भी हुई है, 1831 में CPO के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अभिषेक दुबे, 100% SSC रेलवे डिफेंस किसी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, लगातार लगे रहो। बस ये ध्यान रखो आप लोग सब लोग, थ्योरी वाली जो मेरी क्लास होती है शाम को 6 PM, आज तो नहीं है, कल है, वो क्लास कर लिया करो। अनअकैडमी पर मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, वो कंप्लीट कर लोगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 100% सिलेक्शन है। तो 1831 में भी हुआ है भाई, उसमें जिसने सिग्नेचर किया था वो थे लॉर्ड बेंटिक, रणजीत सिंह तो थे ही थे, तो दो बार हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल मित्रन भाई, बिल्कुल हो जाएगा, काम चल जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द टर्सरी सेक्टर? टर्सरी सेक्टर में कौन सा आता है इनमें से? वैसे तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी जिसमें नेचुरल चीज़ों को शामिल किया जाता है, सेकेंडरी जिसमें आपका इंफ्रा वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, और टर्सरी में कौन सा होता है भाई? तो टर्सरी का सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, सर्विस सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कराना, इसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर का मैक्सिमम शेयर है इंडियन इकोनॉमी में, मैक्सिमम शेयर है किसमें? इन इंडियन इकोनॉमी। आजकल बर्बाद चल रहा है, आजकल इकोनॉमी की हालत बहुत डाउन चल रही है, कुछ तो सरकार खा गई, कुछ कोरोना खा गया। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो सभी लोग,
नेक्स्ट इसके बाद में आता है मैक्सेसे पुरस्कार, जो इस बार नहीं मिलेगा, का नाम रेमन मैक्सेसे के नाम पर रखा गया है, जो कम्युनिस्ट विद्रोह को रोकने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। तो ध्यान में ये रखना है, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये वाला, फिलीपींस की तरफ से दिया जाता है इस्टेब्लिश्ड इन 1957 और फर्स्ट गिवन इन 1958। किसको? विनोबा भावे जी को मिला था सबसे पहले, विनोबा भावे। तो फिलीपींस की तरफ से मिलता है और वो होता है आपका प्रेसिडेंट थे ये रेमन मैक्सेसे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? नोबल प्राइज ऑफ एशिया, नोबल प्राइज ऑफ एशिया इसका नाम है भाई, नोबल प्राइज ऑफ एशिया। हाँ बेटा, बहुत लोगों ने अर्थव्यवस्था को खा लिया, सरकार ने बहुत खाया है। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड विच लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, रवीश कुमार जी को ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रवीश कुमार जी को मिला था 2019 का, रवीश कुमार जी को 2019 का मिला था, 2020 में किसी को नहीं मिलेगा कोरोना की वजह से। तो उर्दू बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपकी क्लास कब कब होती है प्रिया? मैं बताता हूँ, देखो मेरा जो शेड्यूल है, पहले मैं बताता हूँ आपको, मंडे से फ्राइडे जो मेरी क्लास होती है वो होता है एक 9 AM पर, करंट अफेयर्स क्लास होता है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता है। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी 2.0। उसके बाद 11 AM पर होता है, ये होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जैसे आज करा रहा हूँ उसी तरीके से, मंडे से फ्राइडे का शेड्यूल है ये वाला। और वो होता है आपका चैनल होता है भाई वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। उसके बाद फिर अपनी 6 PM पर डेली क्लास होती है, जो आज नहीं है, अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पर उसमें स्पेशल सेशन है, फ्री होता है, वो भी पूरा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ स्पेशल सेशन में मैं। और उसमें अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो चल रहा है बेटा इकोनॉमी। तो ये तो हो गया आपका मंडे से फ्राइडे वाला शेड्यूल, कल ये इकोनॉमी वाली 6 बजे कल भी रहेगी। बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एक और समझा देता हूँ, ये थ्योरी पढ़ाता हूँ उसको जरूर ज्वाइन किया करो आप लोग। उसके अलावा एक सैटरडे एंड संडे, जो हमारा ये वाला टाइम है जो अभी चल रहा है, ये 1:30 PM पर होता है, 1:30 सैटरडे संडे ओनली। और एक और चीज़ लिख देते हैं, कल की क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ, 11 AM स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स 11 AM पर रहेगी, उसके बाद 4:30 PM पर रहेगी, उसके बाद 6 PM पर रहेगी। तीनों क्लास मेरी प्रोफाइल फॉलो करना, मेरा पूरा नाम होता है अनादि कुमार गौतम, इस नाम को आप अनअकैडमी पर फॉलो करोगे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये तीनों क्लास अनअकैडमी पर होंगी और ये सब फ्री हैं मतलब स्पेशल सेशन में जाके मिलेंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है जल्दी से बता दीजिए? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, क्रिकेट। समझ नहीं आती है, आ जाएगा समझ, थ्योरी प्रॉपर समझ आएगी, मैं 100% समझा दूंगा, तुम आओ तो सही क्लास में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब। तो भाई हॉकी से रिलेटेड है, बताया था पीछे भी, हॉकी से रिलेटेड है, कोई कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हुआ करे। सर एक क्वेश्चन है बता दो भाई, लिंकन में बता दूंगा पॉसिबल हुआ तो। थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020, आर्द्र भूमि दिवस 2020 का इनमें से थीम क्या है? और वेटलैंड डे होता कब है, अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि वेटलैंड डे कब होता है, तो 2 फरवरी को होता है एवरी ईयर वर्ल्ड वेट लैंड डे, 2 फरवरी को ये होता है, 1999 में से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अभी 2020 में जो है वो है भाई वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी 2021 के लिए भी पहले से बता दिया गया है, जो कि आपको कौन सा दिया गया है, वो दिया है वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर, ये 2021 का है, 2021 का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है, फ्लावर, सबसे छोटा जो फ्लावर प्लांट है वो कौन सा वाला होता है? ऐसा वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल सही है, सेकंड पर जुबैर, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी लोग एक बार क्लास को और शेयर कर दो। वोल्फिया, लेम्मा, अजोला, लाइकस, कौन सा होना चाहिए, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, वोल्फिया, बिल्कुल भाई ऐसा, बहुत अच्छे।
भारत की सबसे लंबी बोल रहा है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? पुलिकट, चिलिका, वेमनाड या कोलेरू, इनमें से कौन सी वाली लेक है जो सबसे लंबी लेक में आती है, लॉन्गेस्ट लेक में आती है? ब्रिटिश आपने इंडिया पे किस बैटल के बाद डायरेक्टली रूल करने लगे? लिंकन भाई जो आपका आंसर है वो है, देखो एक तो आता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो है उससे सिर्फ और सिर्फ इनके अंडर में आया था बंगाल, ठीक है ना, 1757। उसके बाद आया बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर से कौन कौन अंडर में आ गया, अब ये समझो आप लोग, बैटल ऑफ बक्सर से बंगाल पूरी तरह से अंडर में आ गया, अवध आ गया और हमारा मुगल किंग आ गया, तो यही मेन माना जाएगा मुगल किंग 1764। थैंक यू भाई सौरभ। तो ये होता है बेटा वेम्बनाड इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ पर है, केरला, सबसे लॉन्गेस्ट हमारी है ये वेम्बनाड केरला, ठीक है ना। लिंकन भाई समझ आया। विश्व मधुमक्खी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, उन्होंने बहुत काम किया है किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग। नाम क्या है, बी कीपिंग टेक्निक भी कह सकते हो, चलो उनका नाम है भाई, इनमें से कौन है, जेने जलान, तोमो जूपन, जूरिस वेगा या फिर एंटोन जॉनसा, यही है एंटोन जॉनसा। अच्छा आप ऑफलाइन देखते हो, ओके कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम मिले जरूर रेगुलर रहा करो। गढ़वाल हिमालय में 17,445 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची हिमनद बोल रहा है, ग्लेशियर बोल रहा है, कौन सी वाली है, ग्लेशियर लेक बोल रहा है, देवताल, रूपकुंड, केदारनाथ, हेमकुंड, कौन सा वाला है, कौन सा, जल्दी जल्दी बताते रहो, इसका कितना हाइट है, सत्रह हजार चार सौ पैंतालीस जो है वो किसका है, फीट में बोल रहा है 17,445। हाँ? सत्रह हजार चार सौ पैंतालीस किसका है, देवताल का है, कहीं कहीं आपको 17,800 भी लिखा मिल सकता है, रूपकुंड का करीब करीब है 15,700 या 16,000 भी लिखा मिल सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा मिलता है, कहीं सरफेस से लेते हैं कहीं डायरेक्टली ले लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अलनीनो किस धारा को विस्थापित करता है, हेमकुंड नहीं है बेटा, हेमकुंड नहीं है, हेमकुंड तो बहुत कम है, ग्रीनलैंड, क्रोशियो, अटलांटिक, हम्बोल्ट, तो इसका हम्बोल्ट है, इसका कौन सा आंसर होता है, हम्बोल्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आता है भाई इसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, पार्ट थर्ड कंटेनिंग फंडामेंटल राइट या पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल या पार्ट टू सिटीजनशिप या पार्ट फोर है फंडामेंटल ड्यूटी। भाई पार्ट थर्ड वाला जो है फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया है, मैं करा रहा हूँ वीरेंद्र, तुम मेरी जो 9 AM वाली क्लास है एक तो वो कर लो, 6 महीने का ही तो कराता हूँ उसमें, और अनअकैडमी पर जो करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के कराता हूँ उस नाम से क्लास मिल जाएगी, आज भी 1.5 घंटे क्लास हुई थी सैटरडे, और कल भी है 11 AM पे है, 4:30 PM पे, वो क्लास कर लो, उसमें 6 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, 6 से ज़्यादा का ही मिल जाएगा, है ना। तो उसके अलावा DPSP आपका आयरलैंड से लिया है, सिटीजनशिप हमारी ब्रिटेन वाली है, और भाई USSR से हम लोगों ने लिया फंडामेंटल ड्यूटी, वैसे इसका सही आंसर पहला वाला ही है, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन दिख गया था आप लोगों को आंसर। बी साई प्रणीत कौन से खेल से संबंधित है, बी साई प्रणीत एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, कौन सा वाला स्पोर्ट है जिससे ये है, हाँ आंसर पहले ही आ गया था, जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को आप लोग, आज बच्चे पता नहीं कहाँ गायब है, लास्ट वीक हुई नहीं थी ये क्लास एक्चुअली, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए है। तो बॉक्सिंग, हॉकी, बैडमिंटन, बैडमिंटन बिल्कुल ठीक है दिलप्रीत, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इसके बाद में आता है किस संशोधन ने राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था, मतलब जो आर्टिकल है 368 उसमें लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, साउथ अफ्रीका से ही हम लोगों ने कॉपी किया है, और पहले इसमें ये होता था कि चाहे तो प्रेसिडेंट इसको रिन्यू करा सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी कर दिया, बाध्य कर दिया
अमेंडमेंट नंबर कौन सा था? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, 2400 अमेंडमेंट था दिलप्रीत, बहुत बढ़िया। और 1971 इसका ईयर है, इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो है आपका यू, क्या है? साउथ अफ्रीका। क्या है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? सीधा लोकसभा का जो हेड ऑफिस है वो सीधा सेक्रेटरीट किसके अंडर में काम करता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। लोकसभा किसके अंडर में काम करता है? तो भाई वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स या प्रेसिडेंट या स्पीकर। तो भाई स्पीकर जो हेड है उसी के अंडर में तो काम करेगा भाई, जो हेड है उसी के अंडर में तो काम करेगा ना। ऑस्कर प्राइज हाँ किसके द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स, एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं इनको, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट या हॉलीवुड फॉरेन प्रेस, किसके द्वारा दिए जाते हैं ऑस्कर प्राइज एवरी ईयर गिवन बाय? स्पीकर वाले बिल्कुल सही हैं, स्पीकर वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। अब इसका आंसर बता दो, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट या हॉलीवुड, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए नाम इनका एक और है एकेडमी अवार्ड, क्या नाम दिया जाता है? एकेडमी अवार्ड भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना, एकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर रोक लगा दी है कोरोना पीरियड में? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कैलेंडर डायरी एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन होता है एक से दूसरे के पास में जाते हैं, कोरोना जाने का चांस है। पैरासाइट्स को मिला था, पैरासाइट को एकेडमी अवार्ड मिला था, तो इंडिया हमारे भारत ने किया है क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादा होती हैं ये सब चीज़ें। फड़ पेंटिंग भारत के किस राज्य में प्रचलित एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है? फड़ पेंटिंग इज द रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग पार्टिसिपेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? बता चुका हूँ ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा है उसका। इंडिया बिल्कुल सही था। राजपूत राजस्थानी, तो आप ही का स्टेट है भाई राजस्थानी, राजस्थान। नेक्स्ट आता है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सा मापदंड नहीं है? कम से कम 5 साल उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया हो या तो, या 55 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, या कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता, मतलब यहाँ पर अधिवक्ता और यहाँ पर प्रैक्टिस मतलब एडवोकेट एज एन 10 ईयर और जज एज कितना 5 ईयर, जज 5 ईयर के रूप में, या फिर राष्ट्रपति की राय में कौन होना चाहिए? प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। जल्दी जल्दी बता दो। बाकी इसके अलावा बेटा 28 सितंबर से SSC में बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है प्लस पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है और टाइमिंग 9 AM है, 9 AM क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए Anadi10 Anadi YT, जो ठीक लगता है आपको। तो भाई एज नहीं है, नो मिनिमम एज, मैक्सिमम जरूर दे रखी है जो कि रिटायरमेंट की एज है, उस पर रिटायर हो जाता है तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 65 साल, 65 मैक्सिमम है बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार जो फिल्म निर्देशक में सीएसकर प्रयासों के लिए दिया जाता है वह कौन सा है? गोल्डन बियर, ऑस्कर अवार्ड, ओवन ग्लोबल प्राइज, कौन सा वाला है? या डी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, गोल्डन ग्लोब। कौन सा? गोल्डन ग्लोब, डी ऑप्शन अवार्ड, यही वाला है डायरेक्शन फील्ड के लिए, निर्देशन के लिए डी ऑप्शन है गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट, इसके बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस अभी मनाया गया, 2 सितंबर, 4 सितंबर, 6 सितंबर या 6 सितंबर। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे पहली बार 2020 में अभी सेलिब्रेट हुआ है, कब हुआ है? वैसे भी आजकल हवा अच्छी है कोरोना की वजह से। हाईकोर्ट की एज 62 साल होती है रिटायरमेंट की, बिल्कुल सही है। 2 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, तो 7 सितंबर बिल्कुल सही आंसर है। और भाई इसको 19 दिसंबर 2019 को डिक्लेयर किया गया था,
ठीक है ना, डिक्लेयर्ड 7 सितंबर, सबका आंसर सही है। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? चाइना, रसिया, बांग्लादेश, नेपाल। युवराज खाटीवाड़ा कौन है? संचार मंत्री, वित्त मंत्री, कौन से देश के, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया वहाँ की पॉलिसी की वजह से। बताइए जल्दी से कौन सा है, नाम देख के ही समझ आ जाएगा कौन सा वाला है। बिल्कुल नेपाल, कौन सा वाला है, नेपाल, करेक्ट। स्नेहा सोनी, कृतिया सोनिया, अनुराग सोनी, विक्की शर्मा, अच्छा स्नेहा सोनी नहीं है। नेक्स्ट है भाई, 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई है ब्रिक्स खेलों के लिए? तो ये बेटा हमारे इंडिया में खेलो इंडिया गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, उन्हीं के साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम के साथ में ही दे दिया गया है, मेज़बानी इंडिया को दे दी गई है। भारत में ही होंगे, बिल्कुल सही बात, कहाँ पर, भारत में ही ये होंगे और हरियाणा में होंगे, और हरियाणा में कौन सी जगह पर होंगे, पंचकूला में होंगे, पंचकूला। इंडिया रसिया नहीं है बेटा, इंडिया है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का मतलब किस चीज़ से होता है? आर्टिकल नंबर 137 में मेंशन किया गया है, ध्यान से देखते हैं। अपने फैसले की समीक्षा करना, हालांकि ये भी आता है इसमें, या देश में न्यायालय के कामकाज की समीक्षा करना, या कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करना, या संविधान की आवधिक समीक्षा करना। अंडरटेक पीरियडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा है, कौन सा वाला होना चाहिए? जल्दी जल्दी एक बार देखते रहो और आंसर करते रहो और क्लास को शेयर करते रहो। बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन बी नहीं है, सी है, इसका आंसर सी है बेटा। सी ऑप्शन में ना होता तो डी, और डी ना होता तो ए। नेक्स्ट आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर बोल रहा है, फर्स्ट गवर्नर बोल रहा है, फर्स्ट इंडियन नहीं बोल रहा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी 25वें नंबर के हैं, एट प्रेजेंट हैं 25th, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी जो हैं वो अभी चल रहे हैं, कौन से नंबर के हैं वो हैं अभी, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। सबसे पहले थे ओ स्मिथ, बिल्कुल तुक्का सी लगा रहे हो, नहीं तुक्का नहीं होना चाहिए, ओ स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ, और ये जो लिखा है चिंतामणि, द्वारकानाथ, देशमुख, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन 1935 में बना था, 1935 में बना था क्या आरबीआई, और भाई 1935 से 37 तक इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था, हेड ऑफिस कहाँ था, कोलकाता में, और अभी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, अभी है मुंबई में, मुंबई सिंस 1937। नेक्स्ट बेटा, अपने मूल रूप में मुद्रा परिवर्तनीय धारणा की उत्पत्ति किसमें हुई है? ब्रेटन वुड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ दीज। तो यही है ब्रेटन वुड, और भाई ब्रेटन वुड जो है इसी से आपके निकले हैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस, दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड, दोनों का सेम हेड ऑफिस है, दोनों में सेम मेंबर हैं, ब्रेटन वुड ट्विन कहा जाता है, जुड़वा 1944 का है, 1944 का है, दोनों का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट आता है ये गुफाएं हैं भाई, डुंगेश्वरी बिहार, वराहा तमिलनाडु, बेलूम केव आंध्र प्रदेश, कौन सा इनमें से करेक्ट है, कौन सा इनमें से करेक्ट है? बुद्धिस्ट है मोस्टली इनमें से, ब्रिटेन वुड था बेटा, रेनू एवरीडे टेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए भाई, नाम भी तुमने वही रखा है, शोभा सरोज। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वराहा तमिलनाडु में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, डुंगेश्वरी बिहार में है, बेलूम जो है आंध्र प्रदेश में है, तो सब तो ठीक है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है, तो 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और जमा हो जाता है किसमें, स्टमक में, लिवर में, पैंक्रियाज में, या बाइल में, तो भैया लिवर में होता है, कहाँ पर होता है,
लिवर में होता है। एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूरिएज, सल्फेट, ट्रिप्सिन या प्रोटीएज, कौन सा वाला होता है, जल्दी जल्दी बताते रहो। लीवर बिल्कुल सही है आयशा जी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ। रेनू का भी ठीक था भाई, एवरीडे टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 स्लाइड हैं जिसमें से क्वेश्चन 40 होते हैं, ठीक है, 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन कराता हूँ, तो अभी हैं बाकी। तो इसमें ट्रिप्सिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भाई, सब लोगों का आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद हाल ही में तुर्की ने पूर्वी मध्य सागर में किस देश के द्वारा नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द होल्डिंग ऑफ अ नेवल एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न जियो सेंट्रल सी बाय टर्की, बांग्लादेश, रसिया, नेपाल, पाकिस्तान, कौन सा वाला है बताइए जल्दी से, कौन सा है, रसिया, आंसर देख लिया था आप लोगों ने पहले ही। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है। मुरली रामकृष्णन, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, मोहन कुमार, पता होगा मुरली रामकृष्णन, नाम देख के ही समझ आ रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। मैंने इसी के नाम से पढ़ाया हुआ है, या तो 11 बजे पढ़ाया था या तो शायद रात को 8 वाली क्लास में पढ़ाया था, प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई थी। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश, तो भैया कौन सा वाला है, आंध्र प्रदेश इसमें था, अनिल त्यागी नहीं है बेटा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से दूध में मिठास आती है, सबको पता होगा, सब लोग दूध तो पीते ही हो। अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ द विच ब्रिंग स्वीटनेस इन द मिल्क, माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव, लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन, जय श्री राम, रामचंद्र जी जल्दी जल्दी बताइए, टाइम हमारी क्लास का कंप्लीट होने जा रहा है, हो ही गया है बल्कि। बाकी कल 1:30 बजे फिर से मिलेंगे, और कल 11 AM, फिर 4:30 PM, फिर 6 PM पर हमारी क्लासेस हैं, अनअकैडमी स्पेशल सेशन ज्वाइन कीजिए। हनुमानगढ़ से जाटों का छोरा, नमस्कार भाई, है हनुमानगढ़, मतलब राजस्थान से हो, तो कौन सा है, लैक्टोज इज द करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव संबंधी विवादों का फैसला करता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव, तो इसके बारे में लिखा है आर्टिकल नंबर 71, क्या लिखा है। हाँ बेटा लेट हो गए, एक बार स्टार्टिंग से बाद में जरूर देख लेना। हाँ तो कौन सा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा होगा, आर्टिकल 71 में लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एक बार प्रेसिडेंट का केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कौन से प्रेसिडेंट का, डॉक्टर VV गिरी साहब जो थे उनका केस गया था, सेकंड राउंड काउंटिंग से थे। अच्छा बिहार से हो, बहुत अच्छे भाई, सब लोग भारत से हो ये मैंने मान लिया। एटलस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, माउंट टुबकल, माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्बर्ट, माउंट एंकागुआ, कौन सी है, तो इसका आंसर वही है माउंट टुबकल, है ना, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है। बस बाकी मुलाकात कल करेंगे, और अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़िए, ये देखो स्पेशल सेशन आपको ऐसे मिल जाएगा, उसके अलावा अपना गोल सेलेक्ट कीजिए जो, तो ठीक है भाई, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो करना बनता ही बनता है। बेटा तबीयत खराब थी इंग्लिश पर, मेरी तबीयत लास्ट वीक खराब थी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कोई क्लास नहीं हुई थी 2 दिन तक 3 दिन तक। यादव गायकवाड़ जी आपका नाम ले चुके हैं अन अकेडमी में, मैं आपको फॉलो करता हूँ, हाँ दुर्गेश जी आप करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। इंग्लिश बेटा मैंने बताया लास्ट वीक तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक